Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss 2019 MES examinations questions for the subject of structural analysis. और यहाँ पे specifically आज हम जो topic discuss करने वाले हैं that is ILD. I am Saurabh Rahangdale, bringing you detailed explanation of each and every question asked in 2019. So let's start. First question हम देखते हैं यहाँ पे that is for simply supported beam AB of span L with point load W at point C, Z meter from the left support, ILD for bending moment at C is. अब देखिए यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात की जा रही है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है एट C, जो कि Z meter from the left support पे है, वहां पे हमें क्या है ILD due to bending moment जो है ड्रॉ करना है. अब देखिए इसके केस में वैसे तो ये भी क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है ना, तो याद ही रहता है जनरली, बट ट्राई करते हैं हम इसको फाइंड करना. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें गिवन है और ये है पॉइंट ए, इट इज सपोर्ट बी एंड सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दैट इज सी, दैट इज जेड मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट एंड इट इज वॉट एल माइनस जेड डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल स्पैन इज एल. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं दैट इज एक्स एक्स विच इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी. ओके, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी ये सेक्शन एक्स एक्स हम यहाँ कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है ना, एक पॉइंट लोड डब्ल्यू एक्ट हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी दैट इज आर ए, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी आर बी. अब क्या है, आर ए यदि हम यहाँ से फाइंड करें सो इट विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बी डब्ल्यू इंटू एल माइनस जेड डिवाइडेड बाई एल, एंड आर बी इज इक्वल टू वॉट, आर बी इज इक्वल टू जेड बाई एल इंटू डब्ल्यू, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. अब यदि हम जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स है ना, इस सेक्शन पे यदि बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू वॉट, लेफ्ट सपोर्ट के लिए बस हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे लेफ्ट सपोर्ट में क्या एक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर ए रिएक्शन, और इसका नेचर क्या है, नेचर इज सैगिंग, सो इट इज इक्वल टू आर ए इंटू जेड हो जाएगा यहाँ पे. अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसी सिंपली सपोर्टेड बीम में, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए और बी, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट सी, और ये इसकी डिस्टेंस है दैट इज जेड डिस्टेंस है, और ये हो जाएगा एल माइनस जेड, टोटल स्पैन एल है. यहाँ पे एक सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी एक्स एक्स एक सेक्शन हम कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट लोड कंसीडर कर लेते हैं स्पैन में लाइक दिस है ना, और ये यूनिट लोड एक्ट हो रहा है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट ए है दैट इज एक्स, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल स्पैन कैपिटल एल है. अब देखिए यहाँ से हम ये देख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू वॉट, एल माइनस एक्स बाई एल. ओके, और आर बी कितना हो जाएगा दैट इज एक्स बाई एल है ना, यूनिट लोड है. अब हम क्या करते हैं कि एक्स पे जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी है ना, एक्स एक्स सेक्शन है, इस पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे फॉर लेफ्ट ऑफ द सपोर्ट. अब देखिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखने में दैट इज आर ए यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ जेड, और फिर यहाँ पे एक्ट हो रहा है दैट इज यूनिट लोड है ना, और ये जो यूनिट लोड एक्ट हो रहा है ये कितनी डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा होगा इस सेक्शन से, दैट इज जेड माइनस एक्स डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है. हियर वी कैन सी दैट आर ए इज इक्वल टू वॉट, एल माइनस एक्स बाई जेड इंटू जेड माइनस एक्स. ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहते हैं है ना. इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, किसी भी लोड की वजह से या रिएक्शन की वजह से है ना, पूरे स्पैन में क्या वेरिएशन है उसका. ठीक है, ये होता है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. तो अब यहाँ पे हम लेट अस कंसीडर एक्स इज इक्वल टू जेड, मतलब कि पॉइंट सी पे हम आ जाते हैं और पॉइंट सी पे हम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, सो इट इज इक्वल टू एल माइनस जेड बाई एल इंटू जेड एंड इट इज जेड माइनस जेड, तो ये तो टर्म हो जाएगी पूरे तरीके से जीरो. तो हम देखते हैं इट इज एल माइनस जेड बाई एल इंटू जेड, हमें एम सी मिल जाता है. अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसी लोड को कंसीडर कर लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट राइट ऑफ द स्पैन, सॉरी राइट ऑफ द स्पैन में जब हम इसे कंसीडर करेंगे, और ये है हमारा सेक्शन सी,
और इसकी डिस्टेंस कितनी है, दैट इज जेड डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है एल माइनस जेड। नाउ ये सेक्शन हमारा जो हमने प्रीवियसली भी कंसीडर किया हुआ था दैट इज एक्स एक्स, है ना, ये एक्स एक्स सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है यूनिट लोड, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है हमारे सपोर्ट ए से दैट इज स्मॉल एक्स और ये डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज एल माइनस एक्स। इसके केस में भी आर ए कितना हो जाएगा दैट इज एल माइनस एक्स बाई एल और आर बी हो जाएगा दैट इज एक्स बाई एल। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट अगेन हम इक्वेशन लिखते हैं लेफ्ट सपोर्ट के लिए, है ना, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सपोर्ट के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स एक्स पे, सेक्शन एक्स एक्स पे। तो यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर ए एक्ट हो रहा है और इसका नेचर क्या है, सैगिंग नेचर है, ठीक है। तो आर ए एट वॉट डिस्टेंस, इट इज एट जेड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, है ना, क्योंकि ये जस्ट लेफ्ट थ्रू द सी है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एम एक्स 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 एम एट एक्स एक्स सेक्शन आर ए की वैल्यू क्या है, दैट इज एल बाई एल माइनस एक्स बाई एल इंटू जेड। और यदि हम इसकी वैल्यू अगेन कैलकुलेट कर लें एट सी, है ना, क्योंकि इसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए। सो एक्स इज इक्वल टू जेड पे यदि हम देखते हैं तो एम एट सी इज इक्वल टू एल माइनस जेड बाई एल इंटू जेड और ये वैल्यू ये हमें सेम मिल जा रही, ठीक है। तो देखिए अब जाते हैं हम ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे ये तो है नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट देयर, जेड एल माइनस जेड बाई एल जेड इंटू एल माइनस जेड बाई एल, ओके, और ये तो है नहीं, सो आंसर हमारा बी इसके केस में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बाकी यदि हम रिजल्ट को याद रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर चीज हो जाएगी, और यदि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की तो आप काफी कम टाइम में इनको आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें प्रोसीजर पता होनी चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज ड्रॉन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ड्यू टू मूविंग पॉइंट लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन, ठीक है। देखिए पूरे तरीके से ये हमारा जो लास्ट केस हमने डिस्कस किया हुआ था उसके सिमिलर ही है, यहाँ पे 160 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, ये 4 मीटर का है फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ओके, और ये हो जाएगा ऑब्वियसली 6 मीटर और ये डिस्टेंस टोटल स्पैन की कितनी है 10 मीटर है। अब यहाँ से क्या है, हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी, है ना, इस सेक्शन पे फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं दैट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 160 इंटू 4 इंटू 6 बाय 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ही हमने ये चीज डिराइव की हुई है पूरी। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं सो इट कम्स आउट एज इट विल बी 384 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो ऑप्शंस के हिसाब से दैट इज सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पी फॉर कैंटिलीवर एज शोन इन फिगर। अब देखिए यहां पे हमें कैंटिलीवर बीम गिवन है, यहां पे हमें क्या करना है पी पॉइंट के लिए, है ना, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पी। अब देखिए इसके केस में भी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये एक सेक्शन है दैट इज पी और ये है हमारा सपोर्ट ए, एल माइनस सी डिस्टेंस है यहां से दैट इज एल माइनस सी और ये डिस्टेंस कितनी है दैट इज सी डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट लोड अप्लाई कर देते हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 किलो न्यूटन, इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सपोर्ट ए लेफ्ट हैंड साइड और टोटल स्पैन इसका एल है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स हो जाएगी। अब क्या है कि यहां पे हम बेंडिंग मोमेंट एट पी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए अब यहां पे यदि हम इक्वेशन लिखेंगे पी के लिए तो फ्रॉम राइट साइड, है ना, राइट साइड के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है यहां पे हॉगिंग काइंड ऑफ नेचर है, तो इसके केस में ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा होगा दैट इज एक्स माइनस एल माइनस सी,
एक्स माइनस एल माइनस सी डिस्टेंस पे ये क्या है, लोड एक्ट हो रहा है पी से। अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इनका वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले एल माइनस सी। ठीक है, मतलब पी पॉइंट पे आ गए हम, तो एम पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम पी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्स इज एल माइनस सी माइनस एल माइनस सी। तो यहां से देखते हैं, इट इज, इट कम्स आउट एज माइनस वन एल माइनस सी माइनस एल प्लस सी। ओके, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये भी सब कैंसिल हो रहा है, तो ये यहां से हो जाएगा जीरो हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे हमें जीरो मिल गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एम पी की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एल, है ना, ये टोटल स्पैन कितना है, एल है, तो एक्स इज इक्वल टू एल पे हम देखते हैं एम पी, एम पी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दैट इज इक्वल टू माइनस वन एल की वैल्यू, एक्स के लिए एल, दैट इज एल प्लस सी हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि इसे फर्दर माइनस एल प्लस एल माइनस सी, सो इट इज कम्स आउट एज माइनस सी। ठीक है, अब क्या है कि हमें यहाँ पे कितना मिल गया, एम पी जो है कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा हो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, एज पर द ऑप्शंस गिवन हियर ऑब्वियस सी बात है ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से, हम प्रोसीजर हमें पता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर द आईएलडी फॉर रिएक्शन एट डी इज, है ना, रिएक्शन एट डी के लिए अब आईएलडी बनाना है ना, इसके पहले क्या था, बेंडिंग मोमेंट के लिए था। अब क्या है कि यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, और इंटरनल हिंज में आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, दैट इज ये था हमारे पास एक सपोर्ट डी है, ठीक है, और ये है हमारे पास सपोर्ट सी इन दिस केस, और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू फ्रॉम सी एंड एल बाई टू फ्रॉम डी। अब हम क्या करते हैं कि इस इंटरनल हिंज में ये हमारा पॉइंट बी है और ये है सी, ठीक है, और ये सी क्या है, एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे हम एक लोड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 kN का पॉइंट लोड अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी हम फाइंड करते हैं, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक रिएक्शन एक्ट हो रही होगी दैट इज आर डी, और यहाँ पे एक रिएक्शन होगी दैट इज आर बी। अब हम इसके लिए जब इक्वेशन लिख रहे होंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, आर डी कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, एल बाई टू पे एक्ट हो रहा है, और 1 kN का जो लोड है वो कितनी डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है यहाँ से, तो उसके लिए इसे हम ले लेते हैं एक्स लेंथ पे एक्ट हो रहा है यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और ये हो जाएगा टोटल एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट वी कैन राइट इट एज 1, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल x माइनस एल बाई टू, सो इट इज x माइनस एल बाई टू इन दिस केस। फ्रॉम हियर वी कैन सी, और c पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ठीक है, इंटरनल हिंज है, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है आर डी इंटू एल बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू। तो आर डी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एल बाई टू डिवाइडेड बाई एल बाई टू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, x हमें देखना है, है ना, x के वेरिएशन के हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू एल बाई टू पे आर डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू पे ये क्या, यहाँ पे एल बाई टू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन एट x इज इक्वल टू एल, अब d पे क्या है, एल बाई टू मतलब c पे, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, जीरो मिल गया इस पॉइंट पे। अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू एल पे, तो x इज इक्वल टू एल पे ये कितना हो जाएगा, दैट इज एल माइनस एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू डिवाइडेड बाई एल बाई टू, इज इट इज आर डी इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज 1। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, तो एज पर द ऑप्शन गिवन हियर ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, दिस वन विल बी करेक्ट इन दिस केस, तो सो करेक्ट आंसर विल बी B। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फॉर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम
और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए थे। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। किसी को कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।